वृद्ध होना विकास से जुड़ा मुद्दा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वस्थ वृद्ध व्यक्तियों के बारे में अपने 1996 के ब्राजीलिया घोषणा पत्र में कहा कि स्वस्थ वृद्ध व्यक्ति अपने पूरे परिवार, अपने समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन होता है। जब तक वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक केवल विकास के जरिए शांति और समृद्धि नहीं लाई जा सकती। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार से स्त्री और पुरुषों के जीवन प्रत्याशा में निरंतर बढ़ोतरी देखी गई है। इससे 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह जैसे जैसे विश्व सामाजिक आर्थिक रूप से विकास कर रहा है, उसमें इन वृद्ध व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ इनका योगदान भी बढ़ेगा। जैसे सरकारी सेवाओं में, सम्मानीय नौकरियों में, ऐच्छिक कार्यों में, उनके अनुभवों और ज्ञान को साझा करने में, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने में और लाभप्रद रोजगारों में उनका योगदान भी बढ़ेगा। लेकिन विकास के लिए ऐसे योगदान तभी सुनिश्चित किए जा सकते हैं जब वृद्ध व्यक्ति पर्याप्त स्तर पर अपने को स्वस्थ रख पाएंगे, जिसके लिए उपयुक्त नीतियां बनाने की जरूरत है। बुजुर्ग जो हैं वो किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए संपत्ति तो हैं, दोनों तरह से हैं, अपने अनुभव से, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग, कोई एक मानव 60 साल तक जब जी लेता है, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, जिंदगी के अनुभव ही उसको इतना कुछ सिखा देते हैं कि उसके पास एक पूरा खजाना बन जाता है। अनुभवों का जो खजाना होता है वो बहुत बड़ा ज्ञान का खजाना होता है। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ से देखें तो जो नौजवान होता है वो पैसे बचाता नहीं है, जो नौजवान होता है वो जायदाद बनाता नहीं है, जायदाद बनाना शुरू करते हैं 45-50 साल की उम्र के बाद। तो दुनिया की 70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा जायदाद जो है वो बुज़ुर्गों के नाम पर ही होती है। तो लिटरली, फिगरेटिवली, जिस भी तरह से देखा जाए, तो संपत्ति या जो निधि या जो कुछ है, वो जिस भी भाषा में बोलें, वो बुजुर्गों के साथ ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा साल 2002 में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय मैड्रिड कार्य योजना के एक दस्तावेज एक्टिव एजिंग ए पॉलिसी फ्रेमवर्क में जीवन भर स्वास्थ्य वृद्धि के तरीके और दृष्टिकोण से परिचित कराया गया। भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या विश्व का 15% है और यहाँ विकास कार्यक्रमों जैसे कई कारणों से इसमें धीरे धीरे जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है। प्रजनन और मृत्यु दर में आई गिरावट के साथ बच्चों के जीवन और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से जनसांख्यिकी में परिवर्तन आया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण कारक वृद्ध लोगों की बढ़ती हुई संख्या भी है। हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसका कंपोजिशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि आज की तारीख में हर दिन तकरीबन 17,000 लोग 60 साल के हो जाते हैं हिंदुस्तान की जनसंख्या में। जिन लोगों की मृत्यु होती है उनमें 60 साल से बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो तकरीबन 6,500 के आसपास होते हैं। तो ये सब हमारे सेंसस के डिटेल्स में सामने नज़र आता है। तो तकरीबन 10,500 लोग हर दिन हिंदुस्तान की बुज़ुर्गों की जनसंख्या में बढ़ रहे हैं और इस गति से किसी भी देश में दुनिया में इतनी तेज़ी से जनसंख्या नहीं बढ़ रही बुज़ुर्गों की। उसका नतीजा ये होगा कि तकरीबन 5-5.5 साल में हम दुनिया के सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों का वाला देश बन जाएंगे और उसके आने वाले 50-60 साल तक कोई भी दुनिया में देश ऐसा नहीं है जो इस साइज़ का हो जो हमसे कम्पीट कर सके। तो वी विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल। 1951 में 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों की जनसंख्या 20 मिलियन थी। 3 दशक बाद 1981 में यह संख्या 43 मिलियन तक पहुंच गई और वही आगे के दशकों 1991 में यह 55.30 मिलियन तक पहुंच गई। ।2001 में यह संख्या बढ़कर 76.5 मिलियन तक और वर्ष 2011 में 103.2 मिलियन तक पहुंच गई। 2050 तक 60 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या 2 अरब हो जाने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सभ्यता के इतिहास में ऐसी तीव्र, विशाल और सर्वव्यापी वृद्धि पहले कभी नहीं देखी गई।
हर 10 में से एक व्यक्ति 60 साल या उससे अधिक उम्र की, 2050 में हर 5 में से एक व्यक्ति 60 साल या उससे अधिक के होंगे, 2150 तक हर 3 में से एक व्यक्ति 60 साल या उससे अधिक उम्र के। इस आबादी में सबसे बूढ़े व्यक्तियों का वर्ग काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी 60 से अधिक आयु वर्ग का अनुपात 13% है, 2050 में यह अनुपात 20% होगा। 2005 में शतायु व्यक्तियों की संख्या 2,65,000 थी, 2050 में इस संख्या में 14 गुना वृद्धि का अनुमान है। हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान है, तकरीबन 36% जो हमारी पॉपुलेशन है वो नौजवानों की है, जो 18 साल से भी कम उम्र के हैं। अभी करीब 9% के आसपास बुजुर्गों की जनसंख्या है, जो कि तेज़ी से बढ़ रही है, 13-15% तक जल्दी ही हो जाएगी। तो अगर आप दोनों को देखें तो जो नौजवान हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन माना जाता है, क्योंकि वो कुछ पैसा नहीं कमा सकते। 60 साल की उम्र में हम अपने बुज़ुर्गों को रिटायर कर देते हैं तो वो भी पैसा नहीं कमा सकते। अब जिस देश में 36% नौजवान, 13-14% बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तो जहाँ 50% लोग नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी के ही हो जाएंगे, तो वहाँ हम कैसे इकोनॉमिक बूम लाएंगे? एक प्रश्न है जिसके ऊपर अक्सर लोग कोई बात नहीं करते। तो जिस तेज़ी से हम अपने आपके सशक्तिकरण की बात करते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण तो तभी होगा ना जब हमारे देश में प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर विचार करना और उसके हिसाब से योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। शायद वह समय आ गया है जब हमें वृद्ध नागरिकों के बारे में अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त उनके प्रत्यक्ष सीमाओं के बारे में अपनी धारणाओं में भी बदलाव करने का समय आ गया है। हर कक्षा में पाठ पढ़ाया जाता है, हर स्कूल में पाठ पढ़ाया जाता है, गाय पर निबंध लिखवाया जाता है। मेरी जानकारी में तो बुजुर्गों पर कोई पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं हम बुजुर्गियत के बारे में अपने स्कूल के बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं? अगर हम छोटी पीढ़ी के बच्चों को सेंसिटाइज करना शुरू करेंगे तो आने वाले 20, 25, 30, 40 साल में जब वो बड़े होंगे तो देश में बुज़ुर्गों के प्रति माहौल बदलेगा। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बीच में आज के समय किसी के पास समय तो बचा नहीं है। कोई बुज़ुर्ग की तरफ समय निकालने के लिए तैयार नहीं होता है, आपस में बातचीत तक नहीं होती है। ऐसे माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सेंसिटाइज किया जा सके। ऐसे माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिसमें बुज़ुर्गों को मेन स्ट्रीम में जुड़ने के मौके दिए जा सकें। तो ऐसी योजनाएं बने, ऐसे कानून बने और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो, सिर्फ कागज़ पे ना रह जाएं, तभी बुज़ुर्गों के जीवन में कुछ ज़्यादा खुशहाली आ पाएगी और उनका बेहतर जीवन बन पाएगा। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज वृद्ध समाज के निहितार्थ के खंड नीतिगत विमर्श में टिप्पणी की गई है, वृद्ध नागरिकों के योगदान को समाज द्वारा स्वीकार करना महत्वपूर्ण है तथा यह उनकी विशेष योग्यता के प्रति सम्मान को प्रकट करता है। ज्ञान और बुद्धि अक्सर आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। वह आंतरिक जागरूकता का हिस्सा है जिसका व्यापार नहीं किया जा सकता, जिसे बेचा नहीं जा सकता या चुराया नहीं जा सकता। लेकिन समाज के हर क्षेत्र में हमारी सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका सक्रिय और विस्तृत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे देश में वृद्ध लोगों की आबादी स्थायी रूप से बढ़ती जा रही है तथा सामान्य आबादी की तुलना में इसका अधिक तेजी से बढ़ने का अनुमान है। पिछले 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई है, लेकिन बुजुर्गों की संख्या 4 गुना से भी ज्यादा हो गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बुजुर्गों की संख्या 7,70,00,000 थी और 2011 की जनगणना में बताया गया कि यह संख्या 10,00,00,000 को पार कर गई। पिछले एक दशक में भारत में वयोवृद्ध लोगों की आबादी 39.3% की दर से बढ़ रही है। आगे आने वाले दशकों में इसके 45 से 50% की दर से
बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया के ज्यादातर देशों में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होने में 100 से ज्यादा वर्ष लग गए, लेकिन भारत में इनकी संख्या केवल 20 वर्षों में ही दुगुनी हो गई। आज औसत आयु बढ़कर 70 से ज्यादा हो गई है। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं, देखभाल और उदारवादी परिवार नियोजन नीतियों से देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल और बुढ़ापा पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। गैर संगठित क्षेत्र में लगभग 94% श्रमिक काम करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों के कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं, लेकिन इनके लाभार्थी सीमित हैं और असंगठित क्षेत्र में बहुत कम कामगार या उनके परिवार लाभार्थियों में शामिल हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ योजनाओं से कुछ नहीं होता, तो सिर्फ योजना बना लेने से तो कुछ होगा नहीं। दूसरी बात यह कि योजना के नाम पर हमारे देश में बुजुर्गों के लिए कुछ है ही नहीं। अगर देखें तो कोई एक नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स बनाई गई, जिसका आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाया, ना उसका कोई रेगुलर अवलोकन होता है, ना उसका कोई असेसमेंट किया जाता है कि उससे क्या हो रहा है। 2007 में हमारे यहाँ पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया। भारत सरकार ने 1999 में बुजुर्गों से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनाई, जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इस राष्ट्रीय नीति की मुख्य बातें इस प्रकार थी: वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिकता, आश्रय, उचित रियायतों में सहायता प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जैसे उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और इन्हें मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंधित कानून 2007 में माता पिता दादा दादी को उनके बच्चों से आवश्यकता अनुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था है। कानून में वरिष्ठ नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और हर जिले में वृद्ध सदनों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं हैं। कानून के बारे में पूरी जानकारी न होने और विभिन्न स्तरों पर ठीक तरह से कानून लागू न होने के कारण बड़ी संख्या में वृद्ध जन इस कानून का सही तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यहाँ पर यह सवाल उठना भी लाजिमी है कि क्या इस कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया गया है या फिर नहीं। हर जिले में जो ट्राइब्यूनल बनने थे, अभी तो पूरे जिलों में ट्राइब्यूनल ही नहीं बन पाए 9 साल में। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए कि आपके बच्चे अगर आपकी देखरेख नहीं कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। तो जिनके सिर्फ लड़के हैं वो ही जाएंगे, जिनकी लड़कियां हैं वो तो जाएंगे नहीं, जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी बड़ा कतराएंगे कि किसके खिलाफ जाएं। तो इस तरह के कानून बना देने के बाद और उस देश में जहां ये मान्यता हो कि मेरे मरने के बाद मेरा लड़का मुझे मुखाग्नि देगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, उस देश में इस तरह के कानून का कुछ फ़ायदा हो नहीं पाता। नाम के लिए ज़रूर है कानून, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, कोई लोग जाते ही नहीं है ट्राइब्यूनल में। अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो जितनी बड़ी हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की जनसंख्या है और जितनी परेशानियाँ हैं, उसके बावजूद लोग नहीं जा रहे हैं।
तो ना हमारे यहाँ इस तरह के कोई कानून हैं, ना हमारे यहाँ कोई ऐसी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जितनी भी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप डेमोक्रेटिक कंट्री में जब जब भी होती है, उनको उनके अनुभव, उनके विजडम के नाम पर नेता चुना जाता है, तो ज़्यादातर लोग बुज़ुर्ग होते हैं, ज़्यादातर नेतागण जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, और जो वोट देने वाले होते हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग हैं जो एक्चुअल वोटर होते हैं। उसके बावजूद अब तक संभवतया बुज़ुर्गों को वोट बैंक नहीं माना जाता, या माना जाता है कि जब तक व्यक्ति बुज़ुर्ग होता है तब तक उसकी राजनीतिक सोच जो है वो एक पुख्ता हो चुकी है, तो अब उसको तो बदला नहीं जा सकता है, तो इसलिए उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, या क्या कारण है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बुज़ुर्ग हैं, बड़ी संख्या में हैं, बिना योजनाओं के हैं, बिना सुविधाओं के हैं, और जिंदगी बस ऐसी ही चल रही है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए इस समय चलाई जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 कर दी गई है। जिनकी आयु 80 साल से अधिक है उन्हें 200 रुपए के स्थान पर 500 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकार चाहे तो इससे अधिक राशि अपनी तरफ से दे सकती है, लेकिन यह सवाल यह भी है कि आज के इस आर्थिक युग में यह राशि कितना फायदेमंद है। ये कैटेगरी इस तरह से है कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है हमारे देश में, उनके पास एक प्रावधान होता है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है कि ये वो लोग हैं जो कि थोड़े उतने सुविधाएं इनके पास नहीं हैं, उसमें जो उन्होंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जो हमारा भारत सरकार का कैटेगराइजेशन शुरू से है, आज अभी नया नहीं किया है, पहले दिन से है, उसमें ये माना जाता है कि जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो भिखारी हैं, जो हिजड़े हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, वो सब डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। तो हम बुज़ुर्गों को पहले ही ये मान के बैठे हैं कि ये तो उस डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं, तो हम उन्हें सिर्फ दान देने या उनकी मदद करने के लिए कुछ कर देंगे वाले अंदाज में ही कुछ करते हैं। उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके उपयोग के लिए, उनकी विजडम के उपयोग के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए, पीढ़ियों के दूरियां दूर करने के लिए, उसके दिशा में हम कुछ सोचते ही नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ये वृद्धजन देखभाल केंद्र 21 राज्यों के 100 जिला अस्पतालों में खोले जाएंगे। इनकी स्थापना सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार के विधि एवं कानून मंत्रालय ने भी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा की शुरुआत की गई। यह योजना 1 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी और इसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 30 रुपए रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक वर्ष में 30,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और पुरानी चिकित्सा व्याधियों का इसके तहत उपचार किया जाता है। केंद्र की एनडीए सरकार ने हाल ही में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। ये सारी योजनाएं जन्म ले रही हैं, आ रही हैं, वो गरीबों के प्रति हमारे दायित्व में से, गरीबों के प्रति संवेदना में से, और हम विकास कितना ही करें, नई ऊंचाइयों को कितना ही पाए, प्राप्त करें, लेकिन अगर इसके सुफल गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचते हैं तो विकास अधूरा है। और इसलिए एक तरफ हम विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सारी दुनिया को झकझोर रहे हैं, मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब से गरीब का बैंक का खाता खुले इसके लिए दिन रात कोशिश करते हैं। खासकर असंगठित श्रमिकों के लिए बनाई गई है अटल पेंशन योजना, एक मजबूत सहारा जीवन भर का। इसमें इस बात की ओर खास ध्यान दिया गया है
कि अगर कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कामगार है और भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस करते हैं, वृद्धावस्था में अपने जीवन यापन को लेकर चिंतित है, तो अटल पेंशन योजना उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। अटल पेंशन योजना के तहत व्यक्ति कम राशि जमा कर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी फायदा दिला सकते हैं। इस पेंशन योजना के धारक के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी। सबसे खास बात यह है कि जीवन भर पेंशन पाने के लिए आपको आजीवन इस खाते में पैसे जमा नहीं करवाने होते हैं। साथ ही पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस पेंशन योजना में अपनी ओर से भी अंशदान देगी। अगर मैं एक बुजुर्ग हूँ और मुझे भूख अभी लगी है और आप खाना बोलें कि अगले हफ्ते देंगे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप अटल योजना बनाएं, आप एनपीएस की योजना बनाएं, नौजवानों को प्रोत्साहित करें कि वो पैसा बचाएं, तो जिसमें उनका बुढ़ापा ठीक से कट सके, उनको पेंशन मिल सके, तो वो तो 35-40 साल बाद होगा ना। आज के बुज़ुर्गों का क्या होगा? आज के बुज़ुर्गों को हमें उनके हाल पे ऐसे ही छोड़ दें? उससे तो ये योजनाएं तो नौजवानों के बुढ़ापे के लिए बनाई गई योजनाएं हैं, बुढ़ापे के लिए बनाई गई योजनाएं नहीं है, ये बुजुर्गों के लिए बनाई गई योजनाएं नहीं है। आने वाले समय में हमारा देश वृद्धजनों के मामले में चीन से आगे आ जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि देश में जो कानून है उसे पूरी तरह से लागू किया जाए, जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन काल में किसी तरह की बुरी स्थिति का सामना न करना पड़े।